Okay friends, so now we have finished with the whole chapter and now we will revise the chapter by solving the NCERT book exercise. ठीक है, तो now we are solving NCERT book exercise of chapter tissues. ठीक है, सबसे पहली जो exercise है वह है define the tissues. ठीक है, टिश्यूज को डिफाइन करिए. तो टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज जो होते हैं वो होते क्या हैं? ठीक है, बाद में सिंपल और कॉम्प्लेक्स वाली बात बाद में आती है, लेकिन टिश्यूज क्या होते हैं? तो टिश्यूज आर फॉर्म्ड ऑफ मल्टीपल सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, तो सेल्स जो टिश्यूज हैं वह मल्टीपल सेल्स से फॉर्म होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज टिश्यूज. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म्स जाइलम टिश्यू, नेम देम. ठीक है, तो जाइलम टिश्यू किन किन जो है एलिमेंट्स से मिलकर बनता है उन्हें हमें बताना है, उनका नाम बताना है. ठीक है, तो फोर टाइप ऑफ एलिमेंट से बनता है हमें पता है. कौन कौन से फोर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है? सबसे पहला होता है ट्रैकिड्स. ठीक है, दूसरा होता है ट्रैकी और वेसल्स. ठीक है, ट्रैकिड्स, ट्रैकी, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, इनका हमने सभी का स्ट्रक्चर देखा था किस प्रकार से होता है और उनका क्या फंक्शन होता है. ठीक है, लाइक ट्रैकी एंड ट्रैकेट्स जो होती हैं ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसपोर्टेशन वह, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरिंग का काम करती है फूड का, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को. ठीक है, तो इस प्रकार जाइलम टिश्यू जो है इनसे मिलकर बनता है. ठीक है, नाउ द थर्ड एक्सरसाइज इज हाउ आर सिंपल टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल टिश्यू किस प्रकार अलग होते हैं? ठीक है, तो जो सिंपल टिश्यूज होते हैं सिंपल टिश्यूज आर फॉर्म्ड by group of cell which are similar in structure, form and origin. ठीक है, ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में और फॉर्म में सभी सेल्स जब सिमिलर होती हैं तो वे सिंपल टिश्यू फॉर्म होती हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ सेल विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फॉर्म एंड ओरिजिन. ठीक है, जब स्ट्रक्चर फॉर्म और ओरिजिन में डिफरेंट होंगी सेल्स और वो एक टिश्यू बनाएंगी तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है, तो इस प्रकार हो गया एक्सरसाइज नंबर थर्ड. नाउ विल सी द एक्सरसाइज नंबर फोर, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल.
ठीक है, तो सेल वॉल की बेसिस पर हमें कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो पेरेनकाइमा में जो सेल वॉल होती है वह कैसी होती है? थिन होती है और किससे फॉर्म होती है? सेल्यूलोज से। जबकि कॉलेनकाइमा में जो सेल वॉल होती है थिक होती है और किससे फॉर्म कैसी होती है? यह लिग्निफाइड होती है, लिग्निन से बनी हुई होती है। लिग्निन जो है इसमें डिपॉजिट रहता है, दे आर लिग्निफाइड। ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा में भी सेल वॉल थिक होती है एंड दे आर पैक्टिनाइज्ड, पैक्टीन से फॉर्म होती है। ठीक है, पैक्टीन से फॉर्म होती है, थिक होती है। लिग्निन जो है वो इरेगुलरली डिपॉजिट होता है, जबकि पैक्टीन जो है वह जो है एक जैसा वहां पर डिपॉजिट होता है, यूनिफॉर्मली डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा। ये क्या हमने देखे थे? मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में हमने यह देखा था कि किस प्रकार मेरिस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में हमने देखा था, जो कि क्या है, सिंपल टिश्यू है प्लांट के। तो एक मेरिस्टमेटिक होता है, एक परमानेंट होता है। परमानेंट में तीन टाइप देखे थे हमने, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो दीज आर द थ्री डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री। ठीक है, सो नाउ विल सी द एक्सरसाइज नंबर 5। सो एक्सरसाइज नंबर 5 इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्या फंक्शन है? ठीक है, तो स्टोमेटा के क्या फंक्शन है? स्टोमेटा जो होता है, फर्स्ट फंक्शन तो यह है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वह यहां से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है यहां से रिलीज की जाती है, फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन बचती है उसे जो है वो रिलीज किया जाता है। कहां पर? जो ऑक्सीजन बनती है उसे स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट्स को फॉर फोटोसिंथेसिस वह वहां से ली जाती है। ठीक है, तो एक्सचेंज किया जाता है। दूसरा, वाटर इवोपरेशन किया जाता है थ्रू स्टोमेटा, और इस वाटर इवेपोरेशन को क्या कहते हैं हम? ट्रांसपायरेशन। और यह ट्रांसपायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यह ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से रूट्स से एब्जॉर्प्शन हो पाता है वाटर का। ठीक, तो दीज आर द टू फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय द स्टोमेटा। ठीक है, नाउ विल सी द एक्सरसाइज नंबर 6। तो एक्सरसाइज नंबर 6 सेज diagrammatically show differences between three types of muscle। जो तीन प्रकार की मसल्स होती हैं उनमें डिफरेंस जो है हमें डायग्रामेटिकली बताना है। तो सबसे पहली जो है हमारी मसल है, सिंपल जो मसल फाइबर होता है उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल और स्ट्राइटेड मसल और स्ट्रिप्टेड मसल। किस प्रकार से उसका डायग्राम होता है? बंडल टाइप होती है इस प्रकार से। ठीक है, लाइट बैंड और डार्क बैंड पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, तो यह क्या हो गई? स्केलेटल मसल। ठीक है, इसमें लेबलिंग कर देते हैं हम। स्ट्रायाज रहते हैं, न्यूक्लियस, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा कहलाती है। ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लेट होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यह हमने देखा, और यह इसके जो एंड्स हैं वो ब्लंट एंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्केलेटल मसल। उसके बाद आती है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप्ड, सिंगल न्यूक्लियस, यूनि न्यूक्लियट होती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से यह होती है स्पिंडल शेप्ड, और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहलाती है। ठीक है, एंड जो है टैपरिंग होते हैं इसके,
यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है. सो दीज आर स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल. देन कम्स कार्डियक मसल. कार्डियक मसल ब्रांच्ड होती है, ठीक है, इस प्रकार से. फैंट्स, फैंट बैंड्स होते हैं, स्ट्राइटेड होती है यह, लेकिन यूनिन्यूक्लिएट होती है. ठीक है, इसके जो एंड होते हैं जिगजैग होते हैं, ठीक है, और एंड्स पर जो है इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, जिसके की द्वारा, ठीक है, एंड, एंड्स को कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क. जो जिगजैग एंड होते हैं उन्हें इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, जिससे कि यह दूसरी मसल से ब्रिजेस फॉर्म करती है, ऑब्लिक ब्रिजेस कहते हैं उसे. ठीक है, न्यूक्लियस, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे सार्कोलेमा ही कहा जाता है. फैंट बैंड्स इनमें होते हैं, फैंट बैंड्स, ठीक है, फैंट बैंड होते हैं, जैसे स्ट्राया होते हैं वैसे इसमें भी स्ट्राया होते हैं. तो यह होती है कार्डियक मसल्स, ठीक है. यह दूसरी मसल है, दूसरा मसल सेल, जिससे कि यह ब्रिजेस बना रही है, ठीक है. तो यह जो है कार्डियक मसल, ठीक है. सो यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑल थ्री, किस प्रकार से डिफरेंस है. आगे जाके हम इनमें डिफरेंस और देखेंगे, क्या इनमें डिफरेंस होते हैं, ठीक है. नंबर सेवन, वॉट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल. ठीक है, तो कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है. तो कार्डियक मसल्स जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, किसके, हार्ट के. कार्डियक मसल हेल्प इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड इट पुशेस ब्लड इन ऑल द ऑर्गन्स. ठीक है, तो ऑर्गन्स में क्या होता है, हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलती हैं और यह ब्लड वेसल्स बॉडी के सारे टिश्यूज को सप्लाई करती हैं. और इस प्रकार जब हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, सारे टिश्यूज में स्लो स्लोली, ठीक है. एंड देन जब जो टिश्यूज हैं वह उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देते हैं, तो ब्लड रिटर्न करते हैं हार्ट को. और यह जब ब्लड रिटर्न होता है हार्ट को, तो हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को पहुंचाता है, लंग्स उसे ऑक्सीजनेटेड करता है, ठीक है, और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड वापस हार्ट को आ जाता है और हार्ट फिर से उसे पहुंचाता है, किसे, पूरी बॉडी पार्ट्स को, ठीक है. तो जो कार्डियक मसल्स हैं उनका काम है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करना हार्ट का, सो दैट इट पुशेस द ब्लड इनटू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज नंबर 8. Okay friends, so now we will see the exercise number 8, and that is differentiate between striated muscle, non-striated muscle or स्मूथ मसल भी कह सकते हैं इसे, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल. क्या डिफरेंस है तीनों में, यहां हमें बताना है, ठीक है. तो सबसे पहले स्ट्राइटेड मसल, ठीक है, सबसे पहले पोजीशन होता कहां है, मसल्स कहां कहां पाई जाती हैं. तो स्ट्राइटेड मसल कहां पाई जाती है, लिम्स में, ठीक है, इसीलिए हम इसे स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, ठीक है. लिम्स, टंग में, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, दीज आर ऑल स्केलेटल मसल, ठीक है. जबकि नॉन स्ट्राइटेड मसल विसराज में पाई जाती है,
स्मूथ मसल्स ऑर्गेन्स में, डिफरेंट ऑर्गेन्स में पाई जाती है। कार्डियक मसल मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, जो हार्ट की मसल है वह कार्डियक मसल फाइबर से बनती है। मायोकार्डियम हार्ट, मायोकार्डियम क्या है, मसल जो होती है हार्ट की उसे कहते हैं मायोकार्डियम। वह किससे फॉर्म होती है, कार्डियक मसल टिश्यू से या फाइबर से, ठीक है। देन अरेंजमेंट किस प्रकार से अरेंज होती है, तो स्ट्राइटेड मसल्स जो होती है बंडल्स में रहती है, ठीक है। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स जो है लेयर्स में, शीथ में रहती है, जबकि कार्डियक मसल एक नेटवर्क फॉर्म करती है एक दूसरे से जुड़कर, इन द नेटवर्क, ठीक है। तो यह हो गया अरेंजमेंट। न्यूक्लियस, स्ट्राइटेड मसल में मल्टी न्यूक्लियस होते हैं इसलिए इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, जबकि जो स्मूथ मसल है वह होती है यूनिन्यूक्लिएट, और कार्डियक मसल भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। देन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, जो स्ट्राइटेड मसल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है सार्कोलेमा, स्पेशलाइज्ड होती है। नॉन स्ट्राइटेड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहलाती है, जबकि कार्डियक मसल की भी सार्कोलेमा कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्ट्राइटेड मसल्स हैं, दे आर वॉलेंट्री मसल, हमारे विल के मुताबिक काम करती हैं। नॉन स्ट्राइटेड आर इनवॉलेंट्री, कार्डियक भी इनवॉलेंट्री होती हैं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनका कंट्रोल यदि देखें तो कौन सी इनवॉलेंट्री होगी और कौन सी वॉलेंट्री, या आप समझ सकते हैं, ठीक है। देन स्ट्रायास या स्ट्रिप्स, स्ट्राइटेड मसल स्ट्रिप्टेड होती है, इस पे बैंड्स होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड पे नो बैंड्स और कार्डियक पे फैंट बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। देन कम्स कॉन्ट्रैक्शन, किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो जो स्ट्राइटेड मसल है उसका इमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन, दैट मींस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, बट सून फटिग, इट गेट फटिग सून, जबकि जो नॉन स्ट्राइटेड मसल है इसका स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन डज नॉट फटिग, यहां इजीली फटिग नहीं होती, ठीक है। उसी प्रकार कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिदमिक होता है, ठीक है, रिदमिकली लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है और इट डज नॉट फटिग, यह भी फटिग नहीं होती, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल थ्री मसल्स, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड दैट इज ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। लेबल्ड डायग्राम बनाना है, किस प्रकार बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है जब डायग्राम बनाते हैं तो लेबलिंग सभी जो है उसकी प्रॉपर करेंगे। तो इसमें पहले एक सेल बॉडी बनाइए, ठीक है, देन एक एग्जॉन, एग्जॉन की ब्रांचेस बना सकते हैं, डेंड्रॉन शॉर्ट ब्रांचेस रहती हैं लेकिन ऑलवेज ब्रांच्ड, न्यूक्लियस होता है एक सेंट्रलाइज्ड सेंट्रिक, और निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एक कवरिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, जो मेम्ब्रेन है उसे न्यूरिलेमा कहते हैं, साइटॉन या सेल बॉडी, डेंड्रॉन, न्यूक्लियस, एक्सॉन, माइलिन शीथ, जहां पे माइलिन शीथ नहीं होती उसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंस, एंड निजल्स ग्रेन्यूल।
विच कंटेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाइए, प्रॉपर लेबलिंग उसकी कीजिए। ठीक है, नाउ कम्स एक्सरसाइज नंबर 10। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 10 जो है उसमें डिफरेंट टिश्यूज हमें बताए गए हैं कि उसकी पोजीशन बताई गई है, हमें उनका नाम बताना है कौन से टिश्यू है। तो नेम द फॉलोइंग ठीक है, फर्स्ट नंबर है टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ। ठीक है, तो जो ओरल कैविटी है उसकी इनर लाइनिंग किससे फॉर्म होती है, स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू से। हमने देखा था एक एग्जाम्पल कि स्क्वामोस का क्या एग्जाम्पल है, कहाँ पाया जाता है, तो स्क्वामोस एपिथेलियम पाई जाती है इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, वह टिश्यू जो मसल को बोन्स से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, हार्ड टिश्यू व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, टेंडन्स कहते हैं उसे। ठीक है, जो कि व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, जबकि जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है वह कहलाता है लिगामेंट, वो बनता है येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, द थर्ड वन इज टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, फूड कौन करता है प्लांट में, एक तो करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक फूड को करता है, तो कौन सा करता है फूड को, फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यूज जो है वह फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वह सभी दिशाओं में सारी डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ठीक है, जबकि जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द फोर्थ वन इज टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी, फैटी टिश्यू कौन सा होता है, दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी, जिसमें कि फैट होती है, फैट ग्लोब्यूल होते हैं, राइट, एडिपोज टिश्यू, एडिपोसाइट्स, एडिपोज टिश्यू एडिपोसाइट से मिलकर बनता है, एडिपोज टिश्यू कहलाता है, जिसमें क्या रहती है, फैट ग्लोब्यूल्स रहते हैं एडिपोसाइट्स में। ठीक है, नाउ कम्स द फिफ्थ, कनेक्टिव टिश्यू हुज मैट्रिक्स इज फ्लूइड, मैट्रिक्स जिसका फ्लूडी होता है वह कौन सा है, ब्लड, ब्लड और लिम्फ में जो मैट्रिक्स है वह क्या होता है, फ्लूडी होता है, और इसीलिए द सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन अवर बॉडी इज ब्लड और हार्डेस्ट टिश्यू इन अवर बॉडी इज बोन। ठीक है, तो यह हो गई फिफ्थ नंबर। एंड देन टिश्यू दैट प्रेजेंट इन अवर ब्रेन इज नर्वस टिश्यू, टिश्यू दैट प्रेजेंट इन ब्रेन इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है एनिमल्स में, नर्वस टिश्यू कहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स फॉर्म करते हैं। ठीक, तो यह हमने सारे टिश्यूज का नाम बताया, नाउ कम्स द एक्सरसाइज नंबर। ठीक है, देन अगेन आइडेंटिफाई द टिश्यू फाउंड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यह 11th नंबर एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द टिश्यू फाउंड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ है इन्होंने स्किन, स्किन में क्या मिलता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम, जो कि एक कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, मल्टीपल लेयर होती है इनकी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद दिया हुआ है बार्क, जो प्लांट की बार्क होती है वो डेड सेल से फॉर्म होती है, कॉर्क से फॉर्म होती है। ठीक है, कॉर्क से फॉर्म होती हैं, जो कि एक डेड सेल्स होती हैं, ठीक है, और एक वैक्सी लेयर इसमें होती है, सो दैट इट इज प्रोटेक्टिव एंड लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। ठीक है, द थर्ड वन इज किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती हैं। ठीक है, यह क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करती है,
रीअब्सॉर्प्शन करती है वाटर का। मैंने बताया था आपको किडनी से फिल्ट्रेशन होता है तो ट्यूब्यूल्स में आता है फिल्टर, और फिर वो जो फिल्टर वेस्ट होता है जिसमें और वाटर भी होता है, तो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो कि ट्यूब्यूल्स में होती है। ठीक है, देन वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल और प्लांट कौन कौन से टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, इन्हें वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं। ठीक है, तो हो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 11। नाउ विल सी द एक्सरसाइज नंबर 12। ठीक है, नेम द रीजन इन विच द पैरेन्काइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट। ठीक है, तो वह रीजन बताने हैं जिसमें कि पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो प्रेजेंट हो। तो कौन कौन से रीजन्स में प्लांट में रहता है, मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस, ठीक है, कॉर्टेक्स, ठीक है, उसके बाद जो एंडोडर्मिस थी वह भी पैरेन्काइमा टिश्यू से बनी थी, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद पिथ, पिथ जो था वह भी पिथ ऑफ व्हाट, रूट्स एंड स्टेम। रूट्स और स्टेम दोनों में जो पिथ होता है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है सेंटर में, वह पिथ कहलाता है। वह पिथ भी पैरेन्काइमा टिश्यू से बनता है। साथ ही फ्रूट्स और जो फ्लावर्स होते हैं उनका भी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यू से बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार पैरेन्काइमा से डिफरेंट रीजन्स जो हैं हमने देखे थे। एक डिफरेंट रीजन जो मैंने आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में बताया था कि यदि एक डाइकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं, तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस हमने उसमें देखा था, साथ ही पिथ भी हमने देखा था। तो दीज ऑल स्ट्रक्चर आर मेडअप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। साथ ही फ्रूट्स और फ्लावर्स भी जो है पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नाउ विल सी द एक्सरसाइज नंबर 13। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। एपिडर्मिस का क्या रोल है प्लांट में, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। एपिडर्मिस प्लांट में क्या क्या रोल निभाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर जब हमने देखा था तो क्या देखा था, एक क्यूटिकल की लेयर होती है। ठीक है, तो एक तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव, सबसे बाहरी लेयर होती है तो प्रोटेक्ट करती है इंजुरी से, मैकेनिकल इंजुरी से, ठीक है, तो प्रोटेक्टिव है। दूसरा जो है वाटर प्रूफ होती है यह लेयर, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस। साथ ही जो एपिडर्मिस होती है वह किस में हेल्प करती है, क्योंकि एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं इसलिए फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन में यह हेल्प करती है। ठीक है, इट हेल्प्स इन। एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसमें क्या देखा था हमने, स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो स्टोमेटा का मेन रोल जो है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में और ट्रांसपायरेशन में, वाटर इवोपरेशन में है। तो इस प्रकार यह दो फंक्शन जो है यह एपिडर्मिस के हैं। ठीक है, नाउ कम्स द एक्सरसाइज नंबर 14। ठीक है, व्हाई डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, क्यों प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। ठीक है, जो कॉर्क है वो क्या होता है, पेरिफेरल टिश्यू होता है जो कि डेड सेल से बनता है। यह डेड सेल कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, ठीक है, थीके? और इसमें क्या होता है, सुबेराइन जो है एक वैक्सी लेयर होती है, सुबेरिनाइज्ड कहलाता है यह। तो बींग सुबेरिनाइज्ड इट व्हाट इट डज, इट एक्ट एज अ वॉटर प्रूफ लाइनिंग फॉर प्लांट। ठीक है, तो कॉर्क जो है इसीलिए, बिकॉज बींग हार्ड इट प्रोटेक्ट, ठीक है, एंड बींग सुबेरिनाइज्ड इट एक्ट एज अ वॉटर प्रूफ लेयर। ठीक है, हार्ड होता है क्योंकि डेड सेल दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड,
ठीक है, तो इसलिए जो कॉर्क है वह एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। यह हार्ड हो जाता है, इसकी जो सेल्स हो जाती हैं वो डेड हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। साथ ही यह जो टिश्यू है यह क्या होता है, इंसुलेटरी काम करता है एंड डज नॉट कैच फायर इजीली, फायर को इजीली कैच नहीं करता है। तो इस प्रकार भी यह प्लांट की हेल्प करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लांट्स और जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, उनको सनलाइट में रहना पड़ता है डायरेक्ट, तो बहुत अधिक समर में, बहुत तेज धूप में, बहुत अधिक टेम्परेचर में यह जो कॉर्क है यह इसकी प्रोटेक्शन करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, और यह वाटर प्रूफ भी होता है, साथ ही बहुत हार्ड होता है, ठीक है, और इजीली यह फायर कैच नहीं करता, इसीलिए यह जो कॉर्क है यह एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए, ठीक है। नाउ कम्स द एक्सरसाइज नंबर 15। ठीक है, तो ब्लैंक स्पेसेस है जिन्हें हमें फुलफिल करना है, ठीक है। ठीक है, तो ब्लैंक स्पेसेस को फुलफिल करना है, क्या दिया है इसमें, ठीक है, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, यहां दिया है सिंपल एंड ब्लैंक स्पेस, यहां ब्लैंक स्पेस है, देन यहां पर कॉलन कायमा दिया है और यह ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, और यहां पे भी ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू, प्लांट के परमानेंट टिश्यू के बारे में यहां दिया है, जो कि प्लांट जो है एक सिंपल टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है, यह दो डिवीजन है इसमें परमानेंट टिश्यू में। सिंपल टिश्यू में पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा है, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो प्रकार के टिश्यू हैं, जाइलम एंड दूसरा है फ्लोएम। तो इस प्रकार से यह पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो हमने देखा था कि एक तो यदि हम दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन देखना चाहे तो एक सिंपल टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, और सिंपल टिश्यू में मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवीजन होता रहता है लाइफ लॉन्ग, उसमें एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार मेरिस्मेटिक टिश्यू किसमें थे, सिंपल टिश्यू में डिवीजन था यदि, और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। यहां पर परमानेंट टिश्यू, एपिकल टिश्यू जो है वह परमानेंट नहीं कहलाता, वह मेरिस्मेटिक कहलाता है, और दूसरा परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में यह तीनों डिवीजन देखे थे। इसी प्रकार यदि यह डिवीजन हम देखना चाहे कि सिर्फ परमानेंट टिश्यू का डिवीजन, तो इसमें आप देख रहे हैं कहीं से कहीं तक मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं है, क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू इज नॉट अ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और xylem and phloem, ठीक। तो इन दिस वे वी हैव डन विद द चैप्टर, जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर एंड यू जस्ट द होल चैप्टर विल बी मोर क्लियरर टू यू, ठीक है। तो यह चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।